मौजूद है, एक इसका फटका जाएगा डी गॉड के द्वारा, लेकिन टीम गॉड लाइक उन्होंने डायरेक्टली एक स्लैम इन दिया है, ऊपर ऑलरेडी प्लेयर मौजूद और भगा भगा की लॉबी से भागने की कोशिश, बट पावर वो डाउन किए जाएंगे, वो अकेले ऊपर की तरफ चलेंगे। जेनेक्स एफएम की स्क्वाड यहां पर मौजूद है जो बाकी के प्लेयर्स से अगर वो क्लोज इन करते हैं आसानी से रिवाइव कर दिए गए, बट जेनेक्स एफएम उनको समझना पड़ेगा थोड़े और ग्रेनेड की जरूरत पड़ने वाली है। एक और बढ़िया टीपीएस का शॉट, जॉनाथन डाउन किए गए, बट देखना ये कि क्या वहां पे फिनिशर्स निकाले जा सकते हैं। एक और टीपीएस का शॉट, एक और खिलाड़ी वहां पे डाउन होता हुआ, टीम गॉड लाइक बिखरते हुए आपको दिखाई देंगे, एक और खिलाड़ी वहां पे मौजूद था। एस पावर संभालेंगे अपनी टीम की कमान, निकाले तीन फ्रैग्स और एलिमिनेट किया जेनेक्स एफएम को। लेकिन शैडो वो डाउन किए जाएंगे, वीएसटी के बीच रहेंगे जो उनका फिनिश सिक्योर करेंगे। वही अगर हम बात करें टीम पाइथन की, उन्होंने जॉनाथन को डाउन किया, वी गॉट डाउन, और देखते ही देखते पूरी टीम गॉड लाइक, उनका एलिमिनेशन हमें देखने को मिल सकता है। इस पावर इज द ओनली मैन रहेगा टीम गॉड लाइक, इस वक्त शायद पहुंचना चाहिए, इसका ध्यान देना पड़ेगा, बट इस पावर बहुत ज्यादा ओपन पे आए, आने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए थी। कहां है, आसानी से डाउन किया जा सकता था खिलाड़ियों को, बट आप लेट कर बैठे। जी गॉड वापस उनको डाउन किया गया, जॉनाथन वो भी डाउन कर दिए जाएंगे, गॉड लाइक शैडो द आईजीएल अकेले बचेंगे, अपनी टीम पाएगी। फेथ ने थोड़ी तो गड़बड़ करी है, और भी गड़बड़ करते हुए नेड करते हुए प्लेयर पकड़े गए, शैडो उनको डाउन करेंगे। आप चैट में जरूर से बताएं कि आपने कभी ये शब्द सुना है कि नहीं, बट फिलहाल टीम जीरो, एक और प्लेयर वहां पे डाउन किए जाएंगे, जॉनाथन है टीम गॉड लाइक, वो ऑलरेडी एक बढ़िया जाल बिछा के बैठे थे। जॉनाथन वो जो फिनिश है वो भी सिक्योर करते हुए नजर आए और तोड़कर उनके चरणों में जाता हुआ, बट लास्ट जोन वर्सेस टीम गॉड लाइक, देखता है कि टीम गॉड लाइक क्या पहले जोन को प्रायोरिटाइज करेगी या फिर जाएगी उस फाइट में। जॉनाथन एक बार फिर से वो ओपनिंग नॉक निकालेंगे, बट पर हम जी गॉड को डाउन करेंगे। आईजीएल है अपनी टीम के और इनके पास इस वक्त स्मोक भी मौजूद नहीं कि वो स्मोक का इस्तेमाल करके यहाँ से निकल पाए। शैडो जी एक बार फिर से अपनी टीम से सबसे पहले डाउन होते हुए और वांटेड यहाँ पर मौजूद, वांटेड व्हीकल लेके यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो व्हीकल वो अंजाम वैसा रहा नहीं जैसा उन्होंने सोचा था। और क्या वो चेस करेंगे, अगर चेस करते मुश्किल उनके बहुत सारी बढ़ेंगी, एक जाल है जो बुना जा चुका है आईएनएस के द्वारा और उसमें फंसने के लिए जा रही है टीम गॉड लाइक। एक ही व्हीकल में तीन खिलाड़ी सरवाइव करते हुए दो डाउन, एस पावर इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग बट नॉट एनी मोर, द गॉड्स वेल दे आर डन एंड डस्टेड, दिस माइट बी वन ऑफ द बिगेस्ट। जॉनाथन प्राइम के द्वारा वो यहां डाउन किए जाएंगे, टीम गॉड वो भी डाउन कर दिए गए प्राइम के द्वारा, टीम गॉड लाइक दिक्कतों का सामना एक बार फिर से उनके लिए बनता हुआ। खिलाड़ियों को आना पड़ेगा, इस पावर एक और ग्रेनेड उनके हाथ में रहेगा, डीबीएस का इस्तेमाल करेंगे प्राइम डाउन किए गए शैडो के द्वारा, उनको भी अच्छा खेलना पड़ेगा, बट इस पावर थोड़े से अलग, यहां पे एक नॉक निकालेंगे, दो नॉक निकालेंगे, ये एस पावर नहीं है, सुपर पावर है गॉड लाइक के, जिस तरह से वो खेल रहे हैं सेवियर बनते हुए, जब डेस्परेशन सबसे ज्यादा थी एस पावर चमकते हुए। एनएलजी सचिन अब एक आखिरी प्लेयर बचे हैं, जी गॉड को गवा चुकी है गॉड लाइक, बट ये जरूर उनको मिलेंगे, एस पावर सुपर पावर द न्यू प्रिंस ऑफ वीजीएमआई, आई वुड से क्या खेल रहा है ये प्लेयर, उनके पास है थोड़ा भीड़ के निकलना पड़ेगा। जेनेक्स एफएम परेशान करते हुए जॉनाथन एक खिलाड़ी डाउन किए जाएंगे, बट जॉनाथन उनको भी नॉक किया गया, दूसरा खिलाड़ी भी उन्होंने डाउन किया था, दरवाजा सही समय पे उन्होंने बंद किया। एक शैक के अंदर क्या वो तीन खिलाड़ी है, अब मेरा मार एक सिंगल ग्रेनेड की दरकार और आपको टीम गॉड लाइक एलिमिनेशन देखने को मिल सकता है। वो ग्रेनेड आया तो सही, बट वांटेड वो ग्रेनेड अपने ही खिलाड़ी के ऊपर और एक और ग्रेनेड इस पावर डाउन, लकीना बचेंगे एक आखिरी खिलाड़ी जो यहाँ पे मौजूद रहेंगे। लकी देव का वो पहला नेट बहुत गलत था, अपने ही प्लेयर को उन्होंने नॉक कर दिया, शैडो यहाँ पे स्प्रे करते हुए बाउ को नॉक करना बहुत जरूरी, यहाँ पे उनको नॉक करा गया, गॉड लाइक पूरी तरह से बैक फुट पे, जॉनाथन इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, बट टीम आईएनएस के लिए भी वांटेड इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, टॉप फोर तक जॉनाथन अपनी टीम को लेके आए। जॉनाथन बहुत ज्यादा ओपन में थे और वो फिनिश लेने के चक्कर में एक बॉट का फिनिश उन्होंने लिया तो सही, सात फ्रैग्स के साथ वो आपको एलिमिनेट होते हुए दिखाई देंगे। टीम्स आएंगी, डस्टर्स वहां पे फॉर्म होते हुए नजर आएंगे, जी गॉड सुपर स्लैम इन टीम गॉड लाइक आता हुआ नजर आएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट फॉर टीम गॉड लाइक, क्योंकि यहां पे अगर डाउन होता तो मुश्किल पड़ेगी, लेकिन वो गन पावर वो अग्रेशन जिस चीज की हम चर्चा करते हैं भी नहीं है इस रश के लिए। एक और खिलाड़ी को बहुत ज्यादा डैमेज दिया, इज लिटरली ऑन फायर राइट नाउ, वो ग्रेनेड जाएगा, एक नॉक निकालते हुए नजर आएंगे जॉनाथन, एमवीपी फॉर अ रीजन, और देखते ही देखते ऑल स्टार्स वो पूरी तरीके से वाइप आउट होते हुए, ये सिर्फ चार फिनिशेस थे, लेकिन एस पावर लाइक के पास और
सेंटर में जेनेक्स एफएम की टीम भी जाने की कोशिश बिल्कुल तो गया जरूर से इस गर्ल्स की मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश रह सकती है करने की कोशिश जरूर से कर रहे हैं कुछ प्लेयर्स को वहाँ पे डैमेज देने की कोशिश वो सबसे बेहतर खेलते नजर आ रहे हैं बट थी ये टीम शाइन करते हुए नजर आ रही है जॉनथन थोड़ा ओपन में जाकर उन्होंने वो ग्रेनेड थ्रो करने की कोशिश आने वाले डैमेज हर एक प्लेयर देखने को मिलता है डी गॉड पोजीशन उनकी भी रिवील्ड डाउन किए जाएंगे बहुत ज्यादा लोअर एचपी शैडो बीएस पावर इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग एक 1v4 का सिनेरियो लेकिन उनकी जो पोजीशन है वो पूरी तरीके से रिवील्ड है एक अच्छा ग्रेनेड टीम गॉड लाइक एलिमिनेशन में देखने को मिलने वाले बट टीम गर्ल क्या बेहतरीन वो खेले हैं चलिए इसी के साथ डाउन किए जाएंगे टीम गॉड लाइक एस पावर भी चिकन डिनर नजर डालते हैं उन 8 टीमों के ऊपर जो करके गई है क्वालिफाई BGIS द ग्राइंड के अगले स्टेज पे एंड दोस टीम्स आर मिडवे वी स्पोर्ट्स क्वालिफाई हुए 81 से और कट ऑफ एक बार फिर से नॉर्मल 6 टीम 41 अंकों का 40 से पार हुआ कट ऑफ ये आखिरी मुकाबले में आप देखिए कि कितनी सारी टीम्स हैं जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन दिखाया नॉर्मल 6